हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सीमा पर तनाव है तो जाहिर है इसका असर दूसरी सीमाओं पर भी देखने को मिल सकता है, दूसरी जगहों पर भी देखने को मिल सकता है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच लगती सीमा पर क्या हालात है, ये खास रिपोर्ट आपके लिए लेकर आए हैं प्रकाश सिन्हा, जो खुद पहुंचे सीमा पर। बांग्लादेश से आने वाले ट्रकों को सैनिटाइज किया जा रहा है, ट्रकों को बीएसएफ के जवान चेक कर रहे हैं, सरहद पर चौकसी बढ़ा दी गई है, खोजी कुत्तों के साथ जवान गश्त लगा रहे हैं। ये भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर पेट्रोपोल की तस्वीरें हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता प्रकाश सिन्हा यहाँ देखने गए कि चीन के साथ सीमा पर जारी तनाव का इस बॉर्डर पर क्या असर है। गलवान घाटी में चीन से मिले धोखे के बाद एबीपी न्यूज पहुंचा है देश के अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पे, और इस वक्त हम खड़े हैं भारत बांग्लादेश सीमा के पेट्रापोल बॉर्डर पे। और हम देख सकते हैं पेट्रापोल बॉर्डर का ये जो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है, पश्चिम बंगाल का उत्तर 24 परगना इलाका है, बनगांव इलाका, और इस जगह पे बीएसएफ के जो जवान हैं वो पूरी तरह से तैनात हैं और पीपीई किट पहन के वो यहाँ पे जो गाड़ियाँ आ रही हैं उन गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर घुसपैठ और तस्करी का खतरा हमेशा बना रहता है, इसलिए बीएसएफ यहां हमेशा चौकन्ना रहती है। लेकिन इस बार गलवान घाटी के संघर्ष की वजह से भारत हर बॉर्डर पर खासा एहतियात बरत रहा है। मैं भारत बांग्लादेश सीमा के पेट्रापोल बॉर्डर के जयंतीपुर गांव में एक पोस्ट पे बैठा हूं, और हम देख सकते हैं इसी पोस्ट में बैठ के 24 घंटे बीएसएफ के जवान जो हैं सीधा नजर रखते हैं बांग्लादेश पे। हम देख सकते हैं बीच में एक नदी है, इस तरफ भारत की तरफ जयंतीपुर गांव है और दूसरी तरफ सादीपुर गांव है बांग्लादेश का, और कुछ बांग्लादेशी जो है वो नदी में स्नान कर रहे हैं। महज 50 मीटर की दूरी है और ये जो इलाका है वो अनफेंस्ड इलाका है, यानी कि ये कांटे तारों से फेंसिंग नहीं किया गया है, घेरा नहीं गया है। पर्टिकुलर इस जगह पे जो आईसीपी का ड्यूटी है, आईसीपी के अंतर्गत यहाँ पे उस तरह का कोई ये नहीं है, हम लोग यहाँ पे बिल्कुल मुस्तैदी से तैनात हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है इसका खुला होना, सिर्फ 20% बॉर्डर पर ही तार बाढ़ है। गलवान में भारत और चीनी सेना के बीच हुए संघर्ष के बाद से ही भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ की चौकसी बढ़ा दी गई है, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या है बॉर्डर फेंसिंग। मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ पेट्रापोल बॉर्डर का, आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक लंबी लाइन, आप देख सकते हैं कांटेदार जो तार हैं फेंसिंग किया हुआ है, यानी कि यहाँ से लेकर काफ़ी दूर तक तकरीबन 5 किलोमीटर की फेंसिंग यहाँ से दिखती है। लेकिन बीएसएफ के अधिकारियों का कहना है कि ये जो पूरा इलाका है उसका मात्र 20% इलाका ही फेंसिंग किया गया है, बाकी 80% इलाका जो है वो पूरी तरह से खुला हुआ है। बांग्लादेश वाले इस बॉर्डर पर चीन जैसे हालात तो नहीं रहे, लेकिन एक खुले बॉर्डर की चुनौतियां अलग है, इसलिए हरदम अलर्ट रहना होता है।